दोस्तों अगर आप भी आईपीएल क्रिकेट के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आईपीएल का पांचवा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले में इंग्लैंड के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे बेन स्टॉक अभी तक भारत नहीं आए। खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मुकाबले से पहले खबर आ रही है कि अभी बेन स्टॉक राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच का मैच खेलने के लिए इंडिया आ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा बताएंगे क्या है पूरी खबर। इससे पहले आपको क्या लगता है बेन स्टॉक्स और ज़ोरफा आर्चर में से शानदार ऑलराउंडर कौन है? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का उत्साह न केवल भारत में बल्कि सभी देशों में मनाया जाता है। देश और दुनिया के सभी खिलाड़ी भारत में इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए आते हैं। इस आईपीएल के लिए 14 और 15 फरवरी को हमने एक मेगा ऑप्शन देखा था जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने बड़ी बड़ी बोलियां लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। अगर हम इंग्लैंड के खिलाड़ी ज़ोरफा आर्चर की बात करें तो ज़ोरफा आर्चर को 11 करोड़ देकर मुंबई इंडियंस की टीम ने शामिल किया था। तो वहीं बेन स्टॉक्स राजस्थान की टीम के साथ जुड़े हुए थे। इस साल आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज भारत नहीं पहुंचे। ऐसे में जिन टीम के पास सभी इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनको तो हम इस आईपीएल में बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन अब जब आईपीएल बिल्कुल नजदीक है तो इन खिलाड़ियों की टीमों ने इनको रातों रात इंडिया बुलवा लिया है। मुंबई इंडियंस की टीम ने तो ज़ोरफा आर्चर के लिए चार्टर्ड फ्लाइट भी की है। अगर ये चार्टर्ड फ्लाइट में आते हैं तो उनको आइसोलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खिलाड़ी क्रिकेट का बाय बबल टेस्ट पूरा करके सीधा आईपीएल 2022 को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद खबरें निकल कर आ रही हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी मोइन अली को ऐसी ही फ्लाइट में इंडिया बुलाएंगे और राजस्थान की टीम भी बेन स्टॉक्स को इंडिया लाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अमूमन आईपीएल में भी आधी ताबड़तोड़ रहता है। अगर हम मोइन अली की बात करें तो मोइन अली पिछले साल भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से ही खेल रहे थे और उन्होंने वहां पर बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। मोइन अली ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 अर्धशतक भी लगाए थे जिसमें उनका स्ट्राइक रेट भी बेहद ही ताबड़तोड़ लगभग 170 का था। ऐसे में साफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि मोइन अली एक भी मैच मिस करें। वो कोशिश करेंगे कि मोइन अली को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इसके बाद अगर हम बेन स्टॉक्स की बात करें तो बेन स्टॉक्स ने पिछला सीजन नहीं खेला था, राजस्थान की टीम की तरफ से खेलते थे और ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हैं। इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी प्रहार करते हैं। इसके बाद अगर हम ज़ोरफा आर्चर की बात करें तो ज़ोरफा आर्चर भी बिजनेस सीजन आईपीएल नहीं खेले थे और हालांकि ये पिछले सीजन राजस्थान वालों की टीम में थे लेकिन इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन इस बार ये मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेलेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है और गेंदबाजी तो बहुत ही कमाल की करते हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम नहीं चाहेगी कि ज़ोरफा आर्चर आईपीएल का एक भी मैच छोड़े और मुंबई की टीम को थोड़ा सा भी नुकसान हो। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि आज और कल के दौरान इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स और ज़ोरफा आर्चर चार्टर्ड फ्लाइट के द्वारा इंडिया पहुंच जाएंगे? आप हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें।